अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर एक बार हम फिश मार्केट पर आए हैं, देखते हैं आज क्या नई मछली यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना हर दिन नई मछली देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ आना अच्छा लगता है। ये एक नई तरह लंबी आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या नई मछली आई है। मार्केट लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। बड़े बड़े बोट सब अब आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही है तो अब नई नई मछली को देखने को मिलेंगी। अरे आना शुरू हो गए हैं, देखते हैं कौन सा नई मछली आए हम आज। आहिस्ता आहिस्ता मछलियों को निकाल रहे हैं। जो भी मछली मारते हैं वो उस सुराख के अंदर रख कर लेकर आते हैं। चलते हैं मार्केट के अंदर, देखते हैं मार्केट में कौन सा यहाँ पर एक बड़ी मछली शायद होता है, दो नफीस यहाँ पर लग रहे ये टूना फिश है, वो अलग से मछली है। भैया ये क्या मछली है, क्या मछली है? मट्टा 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 टूना फिश नहीं है, ये मट्टा मछली क्या है। कलर के हाँ, ये टोना फिश है वो, लेकिन अलग मछली मट्टा का फिश है। बहुत सारा किस्म की मछली है यहाँ पर, आगे लगते हैं और क्या मछली यहाँ पर। देख पा रहे होंगे बहुत सारे किस्म की मछली यहाँ पर, बोले बोले लेकिन बड़े मछली आज नहीं आए। अब
अभी टाइम नहीं हुआ है बड़े में जाने का, अभी जितने बच्चे हैं सब छोटे छोटे हैं, वो दो ही बड़े मछली थे लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े मछली नहीं है फिलहाल। बहुत गंदा है ये इलाका, बहुत ज़्यादा बदबू आती है यहाँ से। यहाँ पर बीज करते हैं मछलियों को बर्फ देकर, और कई कई दिन जो है इसके अंदर रहता है और पार्सल होता है होटलों को, अगर जहाँ जाना रहता है वहाँ जाता है, ये सब जो है पार्सल होने का। तो बर्फ इसके अंदर होगा और मछली भी इसके अंदर होंगे।